क्या दुनिया पर मंडरा रहा है एक और संकट? ओजोन लेयर में क्यों हुआ अब तक का सबसे बड़ा छेद? ओजोन लेयर में हुआ छेद धरती के लिए कितना खतरनाक है? दुनिया अभी कोरोना जैसे संकट से जूझ रही है। विश्व का हर देश खुद को कोरोना संकट से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दुनिया अभी कोरोना के कहर से सहमी हुई है। जहां अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी कोरोना जैसे वायरस पर काबू पाने में फेल हो रहा है, वहीं इसी दौरान खबर आई कि एक बड़ा एस्ट्रोनॉइड 29 अप्रैल को धरती से टकराने वाला है और ये एस्ट्रोनॉइड धरती के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन बाद में खबर आई कि ये एस्ट्रोनॉइड धरती से कई हजार की दूरी से निकल जाएगा और धरती पर इस एस्ट्रोनॉइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब एक बार फिर से धरती पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बताया जा रहा है कि धरती के तापमान को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाने वाला ओजोन लेयर इस बार धरती के लिए मुसीबत बन सकता है। बताया जा रहा है कि ओजोन लेयर में एक बड़ा छेद हुआ है जिसे वैज्ञानिक अभी तक का सबसे बड़ा छेद बता रहे हैं। दरअसल धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर ओजोन लेयर है। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने दक्षिणी ध्रुव के ओजोन लेयर के छेद को कम किया, वहीं दूसरी तरफ उत्तरी ध्रुव के ओजोन लेयर पे एक बड़ा छेद देखा गया। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल यानी धरती का अटलांटिक वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र के ऊपर एक ताकतवर पोलर वेंट्रिक्स बना हुआ है। नॉर्थ पोल के ऊपर बहुत ऊंचाई पर स्थित स्ट्रेटोस्फीयर पे बन रहे बादलों की वजह से ओजोन लेयर पतली हो रही है। पिछले दिनों खबरें आई थी कि ओजोन लेयर का छेद अब छोटा हो रहा है, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर ओजोन लेयर पर हुए इस बड़े छेद ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। ओजोन लेयर के छेद को कम करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है बादल, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। अभी इन तीनों की मात्रा स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ गई है, जिनकी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें टकराती हैं तो उनसे क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम निकलते हैं। यही एटम ओजोन लेयर को पतला कर रहे हैं, उसका छेद और बड़ा होता जा रहा है। नासा के वैज्ञानिक के मुताबिक ऐसी स्थिति आमतौर पर दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर देखने को मिलती है, लेकिन इस बार उत्तरी ध्रुव के ऊपर ओजोन लेयर में ऐसा छेद दिखना चिंता का विषय है। बता दें कि स्ट्रेटोस्फीयर की परत धरती के ऊपर 10 से 50 किलोमीटर तक होती है और इसी के बीच में रहती है ओजोन लेयर, जो धरती पर मौजूद जीवन को सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। बसंत ऋतु में दक्षिण ध्रुव के ऊपर की ओजोन लेयर लगभग 70% गायब हो जाती है। कुछ जगहों पर तो लेयर बचती ही नहीं, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर ऐसा नहीं होता। यहाँ लेयर पतली होती आई है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा छेद देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ये कम तापमान और सूर्य की किरणों के टकराव के बाद हुई रासायनिक प्रक्रिया का नतीजा है। साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदूषण कम करें, लेकिन इस बार ओजोन में जो छेद हुआ वो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय है। हमें स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ रहे क्लोरीन और ब्रोमीन के स्तर को कम करना होगा ताकि ओजोन लेयर में बना ये बड़ा छेद जल्द से जल्द भरना शुरू कर दे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।